फिर आपने पुरानी चीज़ों को देखी और वही चीज़ें निकाली, जैसे आपके काम में डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, फिर भी थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे। देखो, प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं की, मतलब जो मेरे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी ने बोला वैसे मैंने किया। और सी, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट आपका मन क्या बोलता है, जो मन आपका बोलता है आप सामने स्क्रीन पे लेकर आते हैं, तो वो प्योरिटी से होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, जब आए तो लोगों को सच्चा लगना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। फिर मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब कई बार जब ऐसे माइक्रो लीटर के प्रोग्राम्स आते हैं तो थोड़ा लॉन्ग पहले जो पहले आज तो उनसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें इतना म्यूजिक नहीं था और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, थ्री डी डाल देते हैं, तो जनता वो जब कंपेरिजन हो जाता है तो वो मानते नहीं है। अब ये चलो हो गया तो हो गया, ये हमारे टाइम का बहुत अच्छा था, उसमें क्या कहना चाहिए। एक्चुअली जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, उसके भी कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, जो कभी कभार बहुत स्लो हो जाता था, कुछ चीज़ें हैं। अब ये लोगों के ऊपर है किस तरीके से वो किस चीज़ को कंसीव करते हैं। और अब जो अब नया श्री कृष्ण, जो नया बाल कृष्ण आप देखोगे, उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देख सकते हो, कुछ नई रिसर्च के साथ आ रहे हैं ये शो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आई थिंक वो भी शो बहुत अच्छा था, ये भी शो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो है कृष्ण की लीलाएँ देखने को मिलेंगी, और क्यों लीला थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, कैसा इंटरप्रिटेशन था, वो सब आप देख सकते हो शो में। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत गूगल किया, लोगों से आपने पूछा है, एंटीसिपेट किया, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी मदर का भी एक आइडिया लिया हो, या आप छोटी थी तो आपकी मम आपसे कैसे बिहेव करती थी, इतना डांटती थी, मारती थी, इतना प्यार करती थी, कुछ आपने वहाँ से भी किया। आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले जब यशोदा का कैरेक्टर मुझे ऑफर किया गया, जब सिद्धार्थ तिवारी सर ने जब ये शो ऑफर किया, तो सबसे पहले यशोदा जो माँ थी कृष्णा की, सबसे पहली याद मुझे मेरी माँ की आई, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे रखती थी, प्यार करती थी, सजाती थी, ठीक उसी तरह यशोदा जी कृष्णा को हमेशा सजा के रखती थी, संवारती थी, अगर कुछ कुछ गलत करते थे तो पनिश भी करती थी, परेशान होकर पनिश भी करती थी, लेकिन दिल से कभी पनिश नहीं कर पाती। वो एक माँ की असलियत है, वो दिल से कभी भी अपने बच्चे को पनिश नहीं कर पाती। आपसे जानना चाहिए, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप कितना दिल होता है, आप क्योंकि कंस कर रहे हैं और बच्चों का कृष्ण प्ले करते देखते, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि हमारे टाइम पर कुछ ऐसा होता है तो हमें भी ऐसा कुछ मौका मिलता है, कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप भी कुछ कर पाते कृष्ण के लिए, आई मीन कि ऐसा एक रोल आपको भी काश मिला होता कृष्ण का रोल जी जब आप छोटे थे? पता नहीं, कभी सोचा नहीं था उस समय, लेकिन पता नहीं जैसे ही बड़ा हुआ तो वो कंस मिल गया, इसी में खुश हूँ मैं। कृष्णा जी की बात करें तो कितना मुश्किल हुआ सेट पर उनके साथ शूट करना, या फिर आसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? अभी तक तो मैंने इनके साथ शूटिंग शुरू नहीं की है, ये वो इनिशियल एपिसोड्स चल रहे हैं, पैदा वैदा हो रहे हैं, आई थिंक एक हफ्ते भर में इनके साथ शूटिंग शुरू हो जाएगी, बट ये बहुत अच्छा है। मैं तेरा कौन हूँ? कंस मामा। बहुत शैतानियाँ करता है जयवल, सही में बहुत बड़ा मस्तीखोर है, जिस तरह के से कृष्णा थे, आई थिंक ही इज़ क्लोज टू इट। एंड मैं अभी तक हमने शूट जो भी किया, जैसे कि हमने प्रोमो शूट किया, तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मनवाना पड़ता है, और इस तरीके से काम होता है। खैर, मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, वो सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है और मुझे बहुत क्यूट लगता है। शूट के बाद आप ये जो आपने धारण किया हुआ है यशोदा मैया का, जो कैरेक्टर दिया हुआ है, ये घर पे भी ले जाती थी, आप घर पे भी बिहेव करती थी यशोदा मैया के साथ जैसे? एक्चुअली अगर आप कैरेक्टर में घुसे तो डेफिनेटली आई थिंक वो स्टेज भी आ जाएगा, बट सो फार क्योंकि हमारी शूट अभी उतनी शुरू नहीं हुई है, अभी कंस जी का दिखा रहे हैं और देवकी का दिखा रहे हैं, वासुदेव का दिखा रहे हैं, तो जिस तरीके से शूट शुरू होगा और रोज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो स्टेज भी आने वाले हैं। टेलीकास्ट हो चुके हैं, आपकी अपनी आइडल कौन सी रही है, जो अगर सारी जितनी यशोदा मैया की बात की है कि वो वाली थी, वो बहुत क्लोज थी यशोदा मैया की, तो कौन है आपकी आइडल जो आप हमें रिवाइव कराना चाहें, रिकॉल कराना चाहें, कि वो आप जिन्हें समझते हैं? मैं बहुत छोटी थी तब से श्री कृष्णा देखती थी, बहुत ही प्यारा शो था वो, उसमें भी बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं होती थी, और उनकी यशोदा मुझे अभी तक ध्यान में है,
तो यशोदा का नाम ले तो कहीं ना कहीं उनका एक इमेज मेरी आंखों के सामने ज़रूर आता है। होली का त्यौहार आने वाला है, वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। सर सबसे पहले आप। होली तो ऐसा त्यौहार है कि हर भारतीय जो भी हम हैं वो सबके लिए बहुत स्पेशल त्यौहार होता है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग मथुरा गए थे इसके प्रमोशन के लिए, तो हम वहाँ गए कृष्ण जन्मभूमि में, और वहाँ मैंने सुना है कि जो जिस वजह से जो होली होती है वो शायद ही कहीं होती है, वो काफ़ी उन्होंने बताया कि ऐसे होता है। होपफुली देखेंगे हो सके तो फिर से चले जाएंगे, फिर से चले जाएंगे एक बार होली के लिए। आप कंस के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, सभी जानते हैं, ये कोई एडवाइस अगर कंस को देना चाहे अगर वो आपसे मिले कि आप ये बड़ा गलत करते हो, ये चीज़ तुम्हारी बड़ी सही, तो क्या कहेंगे? एक अच्छी चीज़ प्लीज देखा जाए ना, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, तो मेरे हिसाब से कंस मामा हुई थे, बहुत प्यार करते थे देवकी से, जब तक वो आकाशवाणी हुई नहीं कि तेरा इसका आठवां पुत्र तेरा वध करेगा, तब तक ही वॉज वेरी गुड टू देव। जहाँ से वो उसकी बात हुई कि मैं मुझे मारने वाला आ रहा है, तो वहाँ से वो बदला। खैर गलत थे ही वो स्टार्ट टू एंड, तभी तो वध हुआ उनका, तभी तो इनको स्वयं आना पड़ा कंस का वध करने के लिए, इट वॉज पूरा इसलिए तो आए। मैम आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं होली? कोई बचपन की यादें जो शेयर करना चाहें होली को लेकर? बचपन में तो बहुत खेली होली, आप थोड़ा कम खेलते हैं और या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही फॉर्मल वाली होली खेलते हैं, बट येस होली इज़ अ वेरी प्लेफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बचपन में जो होली का मज़ा था आई थिंक वो किसी भी फेस्टिवल से कंपेयर करें तो कम होता है, क्योंकि उसमें आप दूसरे के ऊपर बलून मारते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की थैली में पानी भरते हैं, और वो हम सुबह उठ जाते थे मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के वो सारे प्रेपरेशन करते थे, मेरे दो बड़े भाई हैं उनके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते थे, कई बार तो अंडा भी मार देते थे किसी के सर पे, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, बहुत कुछ खाने को मिलता था, किसी के भी घर पे जाओ तो स्वीट खाने को मिलता था, तो वो एक ऐसा ओकेजन था जिसके लिए मैं वेट करती थी कि होली कब है, जैसे गब्बर पूछता था ना कि होली कब है, उस तरीके से मैं भी पूछती थी कि होली कब है, कब आने वाली है। इस साल की बात करें तो इस साल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस बार तो ऑनसेट शायद होगा, तो हाँ शायद वही लग रहा है हमको उधर ही होगा। ऑनसेट किस तरह से सेलिब्रेट करने वाला है? वैसे देखा जाए तो हम जो स्वास्तिक प्रोडक्शन है उनकी होली पार्टी बड़ी कमाल की होती है, तो आई थिंक हम लोग वहाँ शिफ्ट करवा देंगे, इनकी जो पार्टी यहाँ होती है वो उमरगाँव में करवा देंगे जहाँ हम शूट करते हैं। जिनको भी पार्टी करना है हमारे हाँ उधर आ जाएगा। होली ऑफसेट रहेगी या ऑनसेट रहेगी? आई थिंक पता नहीं अभी, आई थिंक ऑफसेट तो है ही है, ऑनसेट पता नहीं। अच्छा जाते आते एक ऑडियंस के लिए विश हो जाए होली के लिए। आप बोलो। आप बोलिए। अच्छा हम दोनों साथ में बोल लेते हैं, बाल कृष्ण की तरफ से हमारे सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली बोलो, बोलो हैप्पी होली, थैंक यू थैंक यू, वेलकम।